ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु महाराज नवम्बर से बहुत बड़ा उनके स्थिति में बदलाव आया है और वो आपके 12वें घर को छोड़कर करीबन 18 महीने बाद 11वें घर में आ गए हैं। राहु सदैव उल्टे चलते हैं, जहां बाकी और सारे ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर वो कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु ये सदैव वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं। राहु और केतु एक समय पर एक ही दानव थे। जब विष्णु जी ने उनका गला काटा तो अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए इसलिए उनका व्यक्तित्व भी पूरा डिफरेंट है। राहु केतु का राशि परिवर्तन सेम ही डे होता है, क्योंकि जब भी केतु, जहां भी केतु होंगे उससे सामने हमेशा राहु रहेंगे। 180 डिग्री पर इनकी दूरी हमेशा चलती है। केतु राहु के एकदम विपरीत है। जहां राहु भोग है, लालच है, पैसा है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, केतु एकदम उल्टा है। केतु व्यक्ति को भोग से दूर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि केतु पैसा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह अपने प्रकार से पैसा देता है, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा अलग होता है। राहु जहां एकदम पैसा देते हैं, एकदम रातों रात चीज़ों को बदल देते हैं, केतु थोड़ा समय लगाते हैं। और केतु व्यक्ति को भौतिक सुख तभी देते हैं जब वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार होता है, लेकिन केतु डिटैच करते हैं, केतु भोग से दूर लेके जाते हैं, केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक नया रास्ता जीवन में दिखाते हैं। केतु बारीकियां हैं, केतु डिटेल्स हैं। इसलिए जब भी हम किसी भी ऐसे काम की बात करते हैं जहाँ पे डिटेलिंग आ गई, जहाँ पे रिसर्च आ गया, चीज़ों की का गहनता से अध्ययन करना आ गया, वहाँ पे केतु का योगदान आ ही जाता है। इसलिए अगर आज के टाइम में हम बात करें तो आईटी, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये सब केतु के अधीन आते हैं। जहाँ राहु की बात करें तो जो बड़े स्तर पर बात करते हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल राहु केतु के अंडर आती है। लेकिन जब बड़े स्तर की बात करते हैं तो राहु, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, लेकिन केतु जहाँ पे बारीकियों में जाना होता है। अब आप कोई रिसर्च व्यक्ति करता है तो वो कहाँ लोगों से बात करता है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अलग से जगह पर जाकर रिसर्च करते रहता है। तो वो केतु है जो व्यक्ति को लोगों से दूर लेके जाते हैं और डिटेल्स में लेकर जाते हैं। इसलिए केतु बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि केतु बदलाव डिमांड करते हैं। केतु जिस भी भाव में आपके आते हैं वो आपको उस भाव से संबंधित बदलाव लाने पे मजबूर करते हैं। केतु एक तरह से कांटा भी डिनोट करते हैं और केतु एक तरफ झंडा भी डिनोट करते हैं। तो इसीलिए यदि आपने केतु के आ रहे बदलावों को समझा और उसके अनुसार अपने आप को बदला, तो केतु महाराज आपका नाम एक झंडे की तरह बुलंद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने केतु के बदलाव को नहीं समझा, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो नहीं समझने का प्रयास किया, तो केतु आपको एक कांटे की तरह, एक शूल की तरह चुभते भी रहेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को बदलते हैं। यही सब टॉपिक रहेगा इस विश्लेषण का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बोलूँगा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते लग्न और राशि से। यदि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली बन ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लग्न से देखेंगे तो भी 11वें घर में केतु अभी आ रहे हैं, चंद्र राशि से ऑब्जर्व करेंगे तो भी 11वें घर में आएंगे। राशिफल केवल गोचर आधारित होते हैं तो सेम ही रहेगा। वो आपके ऊपर है आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है। जिनको पता है लग्न राशि वहाँ से देखें, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण की, जो कि है वृश्चिक के लिए। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। देखिए, केतु आपके 11वें भाव में आकर बैठ रहे हैं। मैं बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, इवन साप्ताहिक राशि वालों में कई बार बताता हूँ, ये ऐसा भाव है जहाँ पर हर ग्रह भौतिक रूप से अच्छा प्रभाव देता है, भौतिक रूप से। तो केतु भी वहीं पे जब 11वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को भौतिक रूप से पूर्ण कर देते हैं, भौतिक रूप से उसको बहुत लाभ प्राप्त करवाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति का केतु 11वें घर में गोचर करता है उसको धन, ऐश्वर्य, सुख, हर चीज़ की प्राप्ति होती है। तो तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में चीज़ों को समझना पड़ता है। ये भाव अनकंडीशनली पैसा देता है, ये लाभ स्थान है, ये वृद्धि का स्थान है। इसलिए यहाँ पर नीच के ग्रह भी, यहाँ पे अस्त ग्रह भी, यहाँ पे वक्री ग्रह भी अचानक से धन प्राप्ति करवा देते हैं। तो वहीं पे केतु भी जब यहाँ पे आ रहे हैं तो धन के संबंध में आपको
बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। हाँ, केतु बदलाव के कारक होते हैं, केतु कहीं ना कहीं चीज़ों के डिटेल्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आकर बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। किस संबंध में? अब ये भाव है अर्निंग्स का, लाभ का स्थान है, तो आपके इनकम के सोर्स में कुछ बदलाव आ सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में चेंज आए, आपका प्रमोशन हो, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। केतु यहाँ पे आकर अचानक से थोड़ा सा ब्रेक भी लगाते हैं, वो ब्रेक अच्छा होता है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की आ सकती है। लेकिन जो बिज़नेस करते हैं उनके बारे में एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं लेटर वो बताऊँगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन केतु जब लाभ स्थान में आ रहे हैं तो बदलाव लाएंगे आपके इनकम के सोर्सेस में, और फिर उस बदलाव के द्वारा वृद्धि भी ला सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव उनके लिए हो सकता है जिनका इस समय जो टाइम है थोड़ा ख़राब चल रहा है, जिसको हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं, जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी ख़राब चल रही है, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर आपकी दशा अंतरदशा सामान्य है, अगर दशांतरदशा बहुत अच्छी भी है, तो यहाँ पे केतु आपके इनकम के सोर्सेस को अवश्य बढ़ाएंगे। क्योंकि हम राशिफल बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि व्यक्ति की कुंडली में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, इसलिए वो बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य रूप से ही बता सकता हूँ, अगर दशा अंतरदशा थोड़ी ख़राब है तो जॉब में स्पेसिफिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये केतु आपके धन के स्रोत को बदल कर आपके उसमें कुछ इम्प्रूव कर कुछ इंक्रीज कर कुछ एनहेंस कर वहाँ पर आपको लाभ अवश्य देने वाले हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, केतु आईटी सॉफ्टवेयर कोडिंग एप्स ये जो सारी चीज़ें हैं, डेटा एनालिसिस डेटा साइंस, आजकल तो डेटा को लेके ही इतने सारे करियर बन गए हैं जो पिछले कुछ सालों में नहीं थे, लेकिन पिछले 4-5 साल में एक अलग ही करियर नया उत्पन्न हो गया है कि डेटा से संबंधित इतनी सारी जॉब्स आ रही हैं कोडिंग से संबंधित, और आने वाले टाइम में यही रूल करने वाली हैं। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा, जो भी इन सारे एरियाज़ में काम करते हैं, रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, आप कुछ PhD आदि कर रहे हैं, कुछ थीसिस है आपकी, जहाँ पे भी डिटेल्स में जाकर काम होता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, उन सब के लिए समय बहुत लाभकारी रहने वाला। देखिए, हर ग्रह अलग अलग प्रोफेशन डिनोट करता है, हर भाव हर राशि अलग अलग प्रोफेशन डिनोट करती है। तो अगर कोई भी भाव, कोई भी ग्रह इस 11वें भाव में या किसी अच्छे भाव में जाता है तो वो उससे संबंधित कार्यों में ज़्यादा लाभ देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ और काम करते हैं तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप केतु से ही संबंधित किसी कारकत्व का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ अत्यंत ज़्यादा मिल सकता है, अत्यंत प्रचुर मात्रा में मिल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही केतु का 11वें घर में आना, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुत ग्रेस आ जाता है, यानी कि उसके अंदर एक बहुत इसका जो ऑरा होता है वो बहुत पावरफुल शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन बहुत लाइकेबल हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति दूसरों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने कार्य से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ एक होती है, क्योंकि अगर आपको भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, ग्रेस होना चाहिए, और केतु 11वें घर में आकर वो ग्रेस आपके अंदर लाते हैं, वो उन चीज़ों से आपको युक्त करते हैं। अब केतु ज्ञान के कारक हैं। केतु का अगर हम पिछले 3 साल में गोचर देखें आपका, तो पहले यहाँ पे थे, फिर पिछले 1.5 साल यहाँ पे थे। अब यहाँ पर जब केतु होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपने आप में डुबा देते हैं, इमर्स कर देते हैं, आत्ममंथन का समय देते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को समझना होता है। जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में या स्पेसिफिकली पिछले 1.5 साल में अपने आप में कुछ बदलाव लाया होगा, कुछ नई चीज़ सीखी होगी, कुछ नया प्रयास किया होगा, कोई नई स्किल सीखी होगी, ज्ञान अर्जित किया होगा, उनके लिए तो ये केतु कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि वो जो भी आपने ज्ञान सीखा था, वो जो भी आपने स्किल सीखी थी, अब उसका आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन जिन्होंने कुछ भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था पिछले 3 साल में, पिछले 1.5 साल में, उनके लिए वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केतु हमेशा बदलाव लाते हैं, लेकिन डिटेल्स में जाकर। जो व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है, उसी के लिए केतु महाराज कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव लेकर आते हैं। ये जो 11वां भाव है, ये धन का भी है, और केतु यहाँ पे आकर धन का संचय भी करवाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राहु यहाँ पर होंगे तो वो लग्न भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पे वो कभी कभी इम्पल्सिव बाइंग व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 1.5 साल में धीरे धीरे करके आपका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सेविंग्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप सेविंग्स के नए नए तरीके ढूंढेंगे,
इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके ढूंढेंगे और उसमें भी आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु साइमल्टेनियसली पंचम में होंगे, इंट्यूशन बढ़ाते हैं। तो यदि आप स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट, इन सबसे पैसा कमाना चाहते थे तो उसके लिए भी सही समय है। और केतु का भी यहाँ पे आना इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सब चीज़ों के प्रति आपका ध्यान अवश्य जाएगा। शास्त्र एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि केतु 11वें घर में आके व्यक्ति को मधुर भाषी बना देता है। तो जो व्यक्ति बोलने से संबंधित काम करते हैं, जिनका बोलने का काम है, स्पीचेस है, प्रेजेंटेशंस देनी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यदि आपकी वाणी में मधुरता है, आपकी वाणी में कटुता की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने जीवन में भी देखिए, अधिकतम जो प्रॉब्लम्स आती है, अधिकतम जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो वाणी के कारण ही होते हैं। तो केतु का 11वें घर में आना आपकी वाणी को मधुर बनाएगा और उसके जरिए आपके हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का आपको मौका भी देंगे। हाँ, केतु लेकिन विघ्न कारक भी हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बिजनेस में आप इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन एक चीज़ में थोड़ी बाधा आ सकती है, वो ये देखिए, जब बिजनेस की बात करते हैं और जॉब की बात करते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। जब हम जॉब की बात करते हैं तो वहाँ पे तो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, लेकिन बिजनेस में वो चीज़ नहीं होती। बिजनेस में हो सकता है आपने एक महीने बहुत पैसा कमाया, हो सकता है अगले दो महीने में पैसा नहीं कमाया। तो यहाँ पर जब केतु आते हैं इनिशियली, यानी कि अभी नवंबर दिसंबर, इसमें थोड़ा सा आपकी कोई पेमेंट अटक सकती है या कोई काम अटक सकता है, इनिशियली वो प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगा तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में भी बदलाव आएंगे और वो अपने बिजनेस को फिर आगे लेकर जा पाएंगे और अपने बिजनेस से भी वृद्धि अवश्य कर पाएंगे। तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनको स्पेसिफिकली कहूँगा कि अगर कुछ विघ्न आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हाँ, पहले समझिएगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आई और उस प्रॉब्लम के स्रोत तक पहुँचकर उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। और केतु स्किल्स दिखाते हैं, केतु कहीं ना कहीं आईटी और इन सब चीज़ों का उपयोग, जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं उनका उपयोग भी कहीं ना कहीं केतु के अंडर और बुध के अंडर आता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा एडवांसमेंट कीजिए, थोड़ा सा नई तकनीक लाइए, थोड़ा सा अपने बिजनेस को अपग्रेड कीजिए, तभी केतु आपको बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो मैंने कहा अधिकतम अच्छा ही होगा, अनटिलनेस आपकी दशा अंतर दशा अच्छी नहीं चल रही तो वहाँ पे एक ब्रेक इन करियर आपका अवश्य आ सकता है। अदरवाइज तो अधिकतम लोगों के लिए केतु यहाँ पे प्रमोशन भी देकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका फील्ड में थोड़ा सा काम अलग होगा, जो भी आप इससे पहले करते थे उसमें थोड़ा बदलाव अवश्य आ सकता है। तो केतु 11वें घर में आकर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। एक और अच्छी चीज़ ये होती है कि देखिए, राहु जब 11वें घर में अगर आते हैं ना तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लालची बना देते हैं, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। केतु कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं, राहु एक्सपेंड करते हैं, केतु सीमित करते हैं, क्योंकि केतु व्यक्ति को चीज़ों को समझने का अवसर देते हैं। तो यहाँ पर जब केतु आपके काम त्रिकोण में आएंगे तो वहाँ पे आपकी इच्छाओं में थोड़ा बहुत एक सुधार होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि इच्छाएँ कम हो जाएंगी, क्योंकि मैं तभी कहता हूँ राहु केतु एक पैराडॉक्स है कि वो एक टाइम पे अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो राहु जब यहाँ पे आकर लग्न पर प्रभाव डालेंगे, ऑब्वियसली नई इच्छाएं आएंगी, लेकिन केतु के 11वें घर में है तो व्यक्ति को एटलीस्ट ये पता होगा कि हाँ, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। और ये भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, अगर उसको टाइम मैनेजमेंट, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना आ गया तो वही व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में आगे अवश्य बढ़ता है। तो केतु आपके लिए अधिकतम अच्छे प्रभाव देंगे, फाइनेंसेस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, इन सब चीज़ों में केतु का एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। अब केतु क्योंकि 11वें घर में है, जो काम त्रिकोण है जैसा मैंने कहा, तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। थोड़ा सा जब सातवें घर की बात करूंगा उनके प्रभाव का तो उस पर ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम केतु के कारण अवश्य आ सकती है। केतु ज्ञान के कारक है, तो एक बात मैं आपसे कहूँगा कि ये वृद्धि का स्थान है, तो अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहा कीजिए। आने वाले टाइम में जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, हाँ, कुछ लोग बहुत भाग्य के साथ पैदा होते हैं, कुछ भी नहीं करें तो उनको भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा है कि यदि आपके पास ज्ञान है, स्किल्स हैं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। केतु मंगल के साथ स्किल्स के कारक हैं, तो अपने स्किल्स को एनहेंस कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये केतु न केवल इस कालखंड में बल्कि आने वाले भी जो उनके गोचर हैं, जो पहले 2025 में 10वें भाव में होगा, तो आपके करियर में फिर से एनहेंसमेंट ला सकते हैं। तो ये 1.5 साल का समय अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए, अपने स्किल सेट को बढ़ाइए, यकीनन आपके लिए केतु महाराज बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। इसके साथ एक और चीज़
मैं बताऊंगा कि केतु कांटा भी डिनोट करते हैं और केतु झंडा भी डिनोट करते हैं। अगर आप अपने स्किल सेट को नहीं बढ़ा पाए तो यकीन मानिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो केतु कांटे की तरह चुभेंगे, अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो यही केतु कहीं ना कहीं आपके नाम का झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। इसलिए केतु दोनों ही चीज़ें देते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। केतु चीज़ों एक नई चीज़ों की शुरुआत भी करते हैं। तो यहाँ पे जब 11वें घर में केतु आते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाना शुरू कर देंगे, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। आपका जो इंटरेस्ट है वो कई चीज़ों में जागरूक हो जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। वैसे भी जो वृश्चिक वाले होते हैं बहुत क्यूरियस लोग होते हैं, ये इनको वैसे भी रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। अगर इनको कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो उसमें डूब जाते हैं पूरा। हाँ, एक इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कभी कभी ये ऐसी चीज़ों में बहुत सारा टाइम, बहुत सारी ऊर्जा, मनी भी वेस्ट कर देते हैं, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन ये वो समय है जब आपको बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा और वो भी आपके जीवन को आगे अवश्य लेकर जाएगा। अब राहु और केतु की दृष्टि होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वो टॉपिक है जो विरोधाभास वाला है, जिसमें ज्योतिषीय जो एक जगत है उसमें हमेशा बहस चलती है। शास्त्र कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं कि पंचम नवम दृष्टि है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि राहु और केतु हमेशा अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते हैं। अब आप उसको दृष्टि कहिए, कुछ भी कहिए, प्रभाव उनका अवश्य होता है। कई शास्त्र भी, लघु पराशर आदि हमेशा कहते हैं कि राहु केतु अपने से पंचम नवम पर प्रभाव डालते हैं। तो केतु का पंचम और नवम स्थान पर भी प्रभाव अपने स्थान से होता है, सप्तम पर तो उनका प्रभाव होता ही है। तो मेरे हिसाब से केतु की पंचम नवम दृष्टि होती है। हाँ, राहु और केतु का कोई राशि पर्टिकुलर नहीं होती, जैसे मैं पहले भी राहु के टाइम में बता चुका हूँ, वो जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व लेते हैं। इसलिए केतु का 11वें घर में आना या कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्थान में जाना अच्छा बताया जाता है, क्योंकि वो उस भाव के स्वामी की तरह बिहेव करना शुरू होते हैं। तो अगर 11वें भाव के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि 11वें भाव का स्वामी अगले 1.5 साल आपके 11वें घर में है, यानी कि वृद्धि के स्थान में है, लाभ के स्थान में है, तो आपको कई प्रकार के लाभ केतु महाराज दे सकते हैं। तो ये आपके लिए पूर्णतः एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है। अब केतु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है वो पड़ेगी 30वें घर पर। अब केतु और मंगल, जैसे मैंने कहा, स्किल्स के कारक है, केतु ज्ञान के कारक है, ये भी स्किल्स का भाव है। तो आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ सकती है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे, आपके मित्रों से भी आपके बैर हो सकते हैं, आपके भाई बहनों से भी आपके बैर हो सकते हैं। आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो बदलेगा, आपका सोशल सर्कल बदलेगा, और कहीं ना कहीं अच्छे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कलीग्स और आपके फ्रेंड सर्कल आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पर्सनल लाइफ में चीज़ों को ढंग से कम्युनिकेट कीजिएगा। केतु यहाँ पर आकर प्रोफेशनल लाइफ में आपको कम्युनिकेशन के थ्रू सक्सेस दिलवा सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी बातों का अधूरा मतलब निकल जाएगा। यानी कि आप बोलेंगे कुछ और पर्सनल, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा। तो पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना है, किसी को भी कम्युनिकेट करना है, तो बहुत धैर्य के साथ और बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ वो चीज़ों को करिएगा। तो ये 30वें भाव पर प्रभाव केतु महाराज का कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। स्किल सीखने का बहुत अवसर मिलेगा, तो सीखिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, आपको जीवन में आगे ही वो लेकर जाएंगे। केतु का 7वां प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा पंचम भाव पर। अब देखिए, राहु ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बीच में डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी शुरू हो गए होंगे या आगे चलकर भी रहेगा। अब केतु का प्रभाव भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ नहीं दिखाता। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। देखिए, 1.5 साल तक है तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं निरंतर बनी रहेगी, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है ग्रह की वो इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है। तो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर अपने रिलेशनशिप को बचाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। केतु की जो नवम दृष्टि है वो 7वें भाव पर। अब ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो 3 स्थान है, काम त्रिकोण होते हैं। काम त्रिकोण कि मतलब बहुत निकल सकते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटीमेसी होती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण फिजिकल लेवल पर भी होता है, वो यहीं से देखा जाता है। अलग अलग भावों के अलग अलग एक नियम होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर जब केतु आते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, तो एक तो पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। अट्रैक्शन कम होता है तो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, यानी कि कहीं और पे मन भागता है। और पति पत्नी के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, उसको भी यहाँ पर आकर केतु, क्योंकि नवम दृष्टि यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी प्रभाव डालते हैं। आपका अपने लाइफ पार्टनर
के प्रति जो अटैचमेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर लाइफ पार्टनर के प्रति अटैचमेंट कम हो रहा है यानी कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरा, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा विवाह नहीं हो पाएगा डेढ़ साल में, क्योंकि राहु का लग्न में प्रभाव है, राहु ब्याह करा देते हैं, विवाह करवा देते हैं, लेकिन केतु का यहाँ पे प्रभाव यानी कि अनड्यू ऑब्स्ट्रक्शंस, अनड्यू डिले, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो केतु थोड़ा सा, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अगर शादी की सपोज बात चल रही थी कि हाँ अगले महीने शादी होनी है, दो महीने में शादी, अचानक उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, अचानक से ड्यू अनड्यू डिले आना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक इमेज का भाव भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, केतु अगर आते हैं गोचर यहाँ पे सप्तम में तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर केतु का दृष्टि होती है ना तो कभी कभी व्यक्ति की इमेज को कुछ लोग जानबूझकर खराब करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी इमेज खराब ना हो, क्योंकि इमेज खराब होती है, गुडविल खराब होती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आ सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहा करेगा, आपको शोल्डर की पेन हो सकता है, नेक इंजरी हो सकती है, गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा रहेगी आपको, और जिनको किडनी आदि की प्रॉब्लम है कोई, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा, उनका भी थोड़ा सा जो हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे केतु का जो गोचर है आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही दिखा रहा है। उपाय की बात करते हैं, देखिए केतु महाराज का राशि पतन थोड़े लंबे अवसर के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, तो उनका उपाय भी थोड़ा सा विस्तृत होता है, थोड़े बड़े उपाय होते हैं। पहला उपाय आपको करना है गणेश जी का, 3 बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर उनका आपको दूध से अभिषेक करना है, अगर या तो गणेश मंदिर आसपास हो या शिव मंदिर में जाकर ये कीजिएगा। साथ ही में आपको गणेश जी को 2 प्रकार के फल और दुर्वा अर्पण करने हैं, और उनके सम्मुख बैठकर उनको आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में 1 इलायची अवश्य होनी चाहिए, और फिर वहाँ बैठकर आप गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। ये आपको 3 बुधवार करना है। 3 शुक्रवार आपको देवी के मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में, दुर्गा देवी का मंदिर मिल, दुर्गा देवी का कोई मंदिर मिल जाए सबसे अच्छा है, वहाँ पे 1-1 नारियल अर्पण करना है। और तीसरा उपाय यह है कि आपको 3 बुधवार किसी भी गौशाला में या वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करना है। तो इन उपायों को आप पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो केतु महाराज के जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होंगे और जो पॉजिटिव प्रभाव है वो और बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।